नमस्कार, मैं विकास शर्मा, फार्मिंग हिंदी एडवाइज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे किसान भाइयों, आज मैं आपके लिए फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि आप जब भी कीटनाशक स्प्रे या छिड़काव करें तो समय कौन सा रहना चाहिए। जैसा कि मेरे किसान भाइयों, ये मेरी आप स्प्रे करने की मशीन देख रहे हो, इस मशीन में मैंने जैविक कीटनाशक तैयार करा था जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है। तो उस कीटनाशक दवा का मैं स्प्रे कर रहा हूँ। तो स्प्रे किसी भी प्रकार का स्प्रे हो या कीटनाशक, किसी भी प्रकार का कीटनाशक हो या जैविक कीटनाशक हो, स्प्रे शाम का सायकाल का वक्त सही रहता है स्प्रे करने का, क्योंकि जो अपन स्प्रे करते हैं तो सब्जियों के पौधों पर जो कीट बैठते हैं वो शाम के वक्त बैठते हैं, और उन कीटों को बैठने के बाद में अगर अपन किसी भी प्रकार की दवा का या जैविक कीटनाशक का अपन पौधों पर छिड़काव करते हैं तो ये कीट 100% खत्म हो जाते हैं और ज़्यादा कीटों का पनपने का डर नहीं रहता है। तो मेरे किसान भाइयों, जब भी आप स्प्रे करें या कोई दवा का छिड़काव करें तो सायकाल का वक्त, शाम का वक्त बिल्कुल सही रहता है। तो मेरे किसान भाइयों, ये जो आप देख रहे हो ये बिल्कुल इस समय सायकाल का वक्त हो रहा है और मेरे इस टमाटर की फसल के अंदर जैविक स्प्रे किया जा रहा है। तो ये मेरे टमाटर के पौधे हैं। तो आज की तारीख में इन पौधों पर किसी भी प्रकार का रोग नहीं है। ये मेरे प्याज की फसल है, टमाटर के बीच में ये बिल्कुल ये फसल स्वस्थ है। और ये मेरे टमाटर के खेत के अंदर जैविक स्प्रे किया जा रहा है इसी प्रकार। तो मेरे किसान भाइयों, जो ट्रैक्टर की जो मशीन होती है वो बहुत ही लाभकारी होती है स्प्रे देने में, तो आप इसी यंत्र से स्प्रे किया करो, इससे आपको अधिक फायदा होगा, समय की कम लागत रहेगी और स्प्रे अच्छी तरह पौधे पे फैलेगा। तो इसको इसी ऐसी मशीन से और जैविक कीटनाशक से आपको अधिक फायदा होगा। और जब भी आप स्प्रे करें तो शाम का सायकाल का वक्त देखकर ही आप स्प्रे करें। तो धन्यवाद मेरे किसान भाइयों, फिर मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊँगा। तो आपसे निवेदन है कि जो मेरे वीडियो है, ये वीडियो और भी बाकी वीडियो, उनको सभी किसान भाइयों को शेयर करें, जिससे भारत के अंदर जैविक क्रांति उत्पन्न होए। और लाइक करना आप ना भूलें, और सब्सक्राइब है तो सब्सक्राइब जरूर करें मेरे को, और जो बेल घंटी है आप उस बेल घंटी को जरूर दबाएं, जिससे मेरे नए नए वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो धन्यवाद मेरे किसान भाइयों, अगला वीडियो फिर मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। धन्यवाद, जय किसान, वंदे मातरम।